हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम वर्कशीट 15 करेंगे। इससे पहले अपन यानी कक्षा 8 की जो वर्कशीट है एक से यानी 1 से 14 तक अपन वर्कशीट कर चुके हैं, आज अपन करेंगे 15। कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइज नाउन एंड प्रीपोजिशन फ्रॉम गिवन ए टेक्स्ट। अपने को नाउन और प्रीपोजिशन को क्या करना है, पहचानना है यानी आइडेंटिफाई करना है। जैसे अपने पास नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी, एक स्टोरी है, एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रीपोजिशन। इनमें से नाउन और प्रीपोजिशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है यानी पहचानना है। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वर टू ट्रीज, तो इसमें ट्रीज ये क्या है, नाउन है, अपने आइडेंटिफाई किया। दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट भी क्या है, नाउन है। दे हैड फाइव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है, मंकी यहाँ पे नाउन है, स्पाइडर यहाँ पे नाउन है, पैरट यहाँ पे नाउन है, लॉयन यहाँ पे नाउन है, एलिफेंट भी नाउन है। द मंकी यानी मंकी पहले आ चुका है, लिव्ड ऑन द ट्री, ट्री पहले आ गया, लॉयन इनसाइड द केव। अब देखो प्रीपोजिशन भी अपने को पता करनी थी, तो इन क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है। उसके बाद ऑन, ऑन प्रीपोजिशन है, इनसाइड प्रीपोजिशन है, स्पाइडर यानी ऑन आ गया, द ब्रांचेज बिटवीन, यहाँ बिटवीन भी क्या है, प्रीपोजिशन है, पैरट इन, इन प्रीपोजिशन है, बिलो नेस्ट बिलो यानी बिलो भी क्या है, प्रीपोजिशन है, द हाइएस्ट ब्रांच एंड एलिफेंट अंडर, अंडर भी यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद वन नाइट द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर, द मंकी ब्रॉट येलो जूसी पैरट लाइक कलेक्टेड स्मॉल सीड्स एंड एलिफेंट गॉट बिग बकेट ऑफ, तो ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। उसके बाद जैसे रिवर, तो रिवर क्या है, यहाँ पे नाउन है, दे ऑल कुक डेलिशियस फूड एंड एट टुगेदर। उसके बाद एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट। तो ये जो अपन ने यानी जो सर्किल की हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, अपने यानी प्रीपोजिशंस और नाउन है। तो अपने को अब नीचे यानी पहले तो अपन ने इसको क्या कर लिया, यानी सेलेक्ट कर लिया यानी सर्किल कर लिया। अब नीचे लिखा गया है नाउ राइट आइडेंटिफाई नाउन प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव फ्रॉम द स्टोरी। अब अपने को इनको लिखना है, यानी जो अपने आइडेंटिफाई किया है नाउन को, प्रीपोजिशन को और एडजेक्टिव्स को, जो अपने आइडेंटिफाई किया यानी पहचान की है, उन सभी को अपने को क्या करना है, जैसे अपन ने ये सारी चीज़ें जैसे ये पहचान की थी, यानी ये चीज़ें क्या है अपनी, जैसे ट्रीज है, इन है, फॉरेस्ट है और एडजेक्टिव यानी ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स है, मंकी है, स्पाइडर है, ये सारी चीज़ें क्या है यानी नाउन और प्रीपोजिशन है। अब अपने को इनको यानी नीचे एक इनकी एक टेबल बनानी है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है नाउन और प्रीपोजिशन, तो ट्रीज यहाँ पे लिखा अपने, ट्रीज नाउन है, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी नाउन है, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स भी नाउन है, मंकी, तो मंकी भी नाउन है, स्पाइडर, स्पाइडर भी नाउन है, पैरट, पैरट भी नाउन है, लॉयन, लॉयन भी नाउन है, एलिफेंट, एलिफेंट भी नाउन है, मैंगोज, मैंगोज भी नाउन है। उसके बाद में रिवर, तो रिवर भी क्या है, नाउन है। अब अपन बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो इन, इन प्रीपोजिशन, ऑन, बिलो प्रीपोजिशन है, अंडर प्रीपोजिशन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, फ्रॉम है, और एक अपन ने और है जो अपन यहाँ से लिखने से चूक गए, एक है बिटवीन, तो वो लिख देंगे यहाँ पे बिटवीन, तो बिटवीन भी क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस तरीके से अपने को अपनी वर्कशीट नंबर 15 को कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा नाउन और प्रीपोजिशन को छांटना, यानी नाउन कौन से होते हैं और प्रीपोजिशन कौन से होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऐसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।